हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं प्रियांश पटेल स्वागत करता हूं आपको अपने ब्लॉग चैनल पे। मैंने कल की वीडियो को एडिट करके आज सुबह 8 बजे समथिंग अपलोड कर दिया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी गाड़ी पुलिस स्टेशन से घूम कर आ गई और मम्मी आजकल हमारे घर में हमारे घर में अभी दूध होने लगा है ना, तो मम्मी सुबह सुबह चाय और दूध दे देती, तो ये दूध पी रहा हूँ। हाँ, और एक बात और, मैंने कल बोल दिया था कि मैंने पढ़ाई नहीं की है कल वाले ब्लॉग में, और मेरा एग्जाम है, अभी भी एग्जाम है मेरा 10 बजे से। कल मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ऐसा मैं ब्लॉग में बोला था। पापा मेरे को बहुत डांट रहे थे, बोल रहे थे तुम खाली ये सब करो, ब्लॉग बनाओ, पढ़ाई लिखाई मत करो। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? एग्जाम तो अच्छा गया, क्योंकि एग्जाम तो जान ही रहे हैं, आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो एग्जाम जाने का देने का टेंशन नहीं रहता है, ऑनलाइन में कैसे भी जुगाड़ करके दे देते हैं। बट आज का एग्जाम के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा और मैं कर भी रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पापा ब्लॉग देखते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कल फिर ना डांटे पापा इस ब्लॉग को लेकर, सुनते हैं। इस घड़ी को देखकर कभी टाइम नहीं लगा, मतलब इस घड़ी में क्या है कि टाइम खराब है। अभी बज रहा है 9:40 हो रहा है और इस घड़ी में दिखा रहा है 10:20। पहले फ्रंट पेज बना लेता हूँ, उसके बाद एग्जाम चलने वाले वाला है, एग्जाम दे लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम देते देते 2-3 पेज भी बर्बाद हो गए गलत आंसर सही आंसर के चक्कर में, और कई बार तो एक ही पेज में लिख कर भी काटना पड़ जाता था। मतलब टोटल 8 पेज लिखना था, उसमें से कम से कम 12-15 पेज बर्बाद हो गया। चलो कोई नहीं, एग्जाम के बीच में मैंने खाना भी खा लिया, काफ़ी तेज भूख लग रहा था, कॉल आया था अंबिकापुर से। फाइनली मैं नहा धोवा के तैयार हो गया हूँ, एग्जाम भी दे दिया, फिजिक्स का था, अच्छा गया। बस एक तो सवाल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है जो पूरे क्लास वाले को डाउट है, तो अरे वाइट क्यों हो गया है? ताला खोल रहा हूँ, ताला और चाबी तो मिल गया, उस पर का दरवाजा बंद है, चेक कर लेते हैं एक बार उस पर का दरवाजा बंद है या नहीं। नहीं गया, अभी मैं फिर से वापस जा रहा हूँ भागवत कथा, क्योंकि कलश था शेरवानी वाला जो दिन रहता है वो वाला, तो उसी में जा रहा हूँ। और नहा धोवा तो लिया ही, धीरज जा रहा है मेरे साथ, वही बोला आके, और आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा था, कुछ अनोखा हो जा रहा था जो मैं आपको ऑनलाइन मतलब बता नहीं सकता, इस पर पर्सनल है कुछ समझ लो, वही रिलेटेड बट नहीं बता सकता, क्योंकि इस वीडियो को पापा भी देखा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना चेकिंग हो रहा है अचानक से हमारे मोहल्ले में। अब देखते हैं कोरोना चेकिंग होता है कि नहीं। अरे होता बाबू, हाँ तो बाबू कुछ व्यवस्था करा होगा, हो गल ना हो, सीट बेल्ट के लिए पकड़ लिए थे अभी, ये जो लगाई ना पट्टा तो ने वही के ना लगाए, कहा कि 200 रुपये फाइन दो। हम पहली कर रहे यहीं पर कहूँ भागवत कथा से पहुँचाने जा रहा हूँ बाबा लोग को, है लगा लो सीट बेल्ट, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं लगाओगे तो वो इकरेंगे हम, कही ठीक है एक दर ही तो चाहते रहे हम। देखो कौन सा दिन भर यार लॉकडाउन करना था, कैसे अब खोल देंगे।
होला गेट बंद कर नहीं दादी जा भूख लगे तो थोड़ा भंडारा खाए आल रही हम तो पहुँचा दी ठीक बाबू ठीक बा का नाम बता रहो अंशु हमरो नाम अंशु हो हाँ हाँ ठीक बा थोड़ा मास्क वगैरह लगा लेते हैं ताकि पुलिस वाले अरे पुलिस में कुछ तो बात होता है यार पुलिस वालों में ना देख के साला थोड़ा अजीब लगता है उन लोग को डर सा लगता है वर्दी में बात होता है पावर पावर इसलिए क्या है अभी मैं गया था तो जैसा कि देखे आप लोग रोके मेरे को बोले ट्रीटमेंट लगा 200 रुपये मांग रहे हैं चार्ज कर रहे हैं गाड़ी वाले जा रहे हैं इन लोग को भी रोकेंगे शायद सीट बेल्ट लगा लेते हैं पहले क्योंकि यही दो चीज की देखते हैं आगे क्या बोलते हैं हम लोग वैसे गाड़ी का मिरर बंद करते हैं पहले तो मिरर खोल के शायद तक हम लोग का आवाज क्लियरली नहीं आता होगा अभी तो नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अभी फुल्ली पैक्ड है सामने गाड़ियां जा रही हैं कई इन लोग ने तो नहीं लगा रखा होगा कंफर्म है देखते हैं आगे गाड़ी आगे आगे जा रहे हैं काफी भीड़ लगी हुई है यार वैसे गाड़ी तो दूर से ही रुक जा रही है यार ये देखो वैसे तो बहुत सारी उधर से इसलिए गाड़ी रुकी हुई है थोड़ी पुलिस वाले क्या बोलते हैं इन सारे लोगों ने मास्क लगा रखा था यार इस सामने कार जितनी भी जा रही है क्या बात है मास्क प्लस सीट बेल्ट सब इतना सारा भीड़ आप रे भीड़ गाड़ी चलने प्रॉब्लम होता है एक्सपीरियंस वाले हैं यार कार आई है तो मान गया सारे सारे नॉलेजेबल पर्सन हो मैं फाइनली आज की वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें